नहीं 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 प्रेम नहीं भगवान ने मेरी किस्मत सोने के पेन से लिखी है तभी मुझे अनु जैसी बीवी मिली है मैं उसे नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा कि सुन के उसका दिल छलनी छलनी हो जाएगा उसके विश्वास के महल पे झूठ के तीर और 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 धोखे के भाले बरसेंगे नहीं, भी सो सो मैं उसको नहीं बताऊंगा अनु को बिल्कुल नहीं वरी अच्छा छेदी में बात करते हैं ठीक है मैं अपना हिसाब चेक करके तुम्हें फोन करूंगा ओके ठीक है छेदी ओके बाय छेदी <laughs> छेदी से बात कर रहे थे हाँ छेदी से बात कर रहा था उसका फोन नहीं। है आप प्रेम से बात कर रहे थे नहीं छेदी का फोन आया था उसका फोन आया था वो कह रहा था कि कुछ कुछ गड़बड़ है साहब मैं, तो मैं मैं तो जरा मैच कर रहा था कपड़े उसके चार कपड़े तो चार कपड़े ज्यादा मैं बोलता चार कम तो, तो शश विभू मैंने सब कुछ सुन लिया है तुम किसी धोखे की बात कर रहे थे तो सच सच बताओ क्या है तुम्हारे कान बज रहे होंगे यार प्लीज मेरे कान तो नहीं बज रहे बिभू लेकिन अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है अनु मेरी बात समझो मैं मोहल्ले की चुगली आंटी नहीं बनना चाहता अरे अपनी पत्नी से कोई बात शेयर करने को चुगली नहीं कहते हैं बोलो मुझसे क्या बात है यार, I don't know. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ यार अब, अब अच्छा मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे प्लीज प्रॉमिस एक्चुअली भाभी जी कह रही थी कि मैं तुम जैसी औरत के साथ कैसे सर्वाइव करता हूँ कैसे रह लेता हूँ डायरेक्टली <laughs> कुछ नहीं कहा डायरेक्टली कुछ नहीं कहा बातों बातों में है ना इशारों इशारों में कह गई कि तुम बहुत ही इगोहिस्टिक औरत हो

घुमा फिरा के इशारों इशारों में ठीक है तो हम चलकर पूछते हैं उनसे की का होगा पूछने पूछने की क्या जरूरत है, का है जरूरत है हाँ, सहेली बारे में इतना सब कुछ बोल दी हमको जानना जरूरी है ना कि का है बोली का है वो ऐसा सोचती है हमारे लिए नहीं नहीं दे, 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 देखो पगली इससे इस अच्छा ये है कि तुम त, त, तुम उनसे दोस्ती तोड़ दो हम तो कहते हैं उनसे बात ही करना बंद कर दो बिल्कुल

सीधे सीधे नहीं घुमा फिरा के Remember? को, को बोले हम? रिमेम्बर दिन भर आप हमसे बतियाते रहते हैं हम सत्रह सौ साठ बातें बोलते हैं आपसे अगर बात करने पर सजा होता ना तो हम रिश्ता पूछते जेल में होती इतना सारा बातें करते हैं साफ साफ बात बोलिए भाभी जी आ, आपने वो कहा था ना कि अनु अनु बहुत स्वीट है बहुत क्यूट है बस एक छोटी सी कमी है वो 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 खुद को ज्यादा समझती है और उसके सारे नखरे उठाने पड़ते हैं उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है सडनली मैं सॉरी या या हम को का बोले आप आ, कि हमरी अनु बोल रही थी कि हमरी सुंदरता में कुछ गड़बड़ है अनु ऐसा बोली का तुम एब्सोल्युटली नॉट और आंजी क्या तुमने ऐसे कहा कि मुझ में एटीट्यूड प्रॉब्लम है मैं खुद को बहुत समझती हूं हाय दिया बिल्कुल हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं आई नो इट God, oh God, yes, yes, yes. What's the joke? भाई हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ओके आई होप आपकी वजह जो है वो काफी वैलिड होगी वरना पता है ना आज रात को तुम्हें बाहर सोना होगा घास के ऊपर एक्चुअली बहुत ही वैलिड वजह है और हमने जो कुछ भी किया uh, आप दोनों की दोस्ती के लिए किया uh -huh. एक्चुअली right. क्या है हा, हा, अभी नो हम जानते हैं कि आप दोनों की जो दोस्ती ना जो बॉन्डिंग है बड़ी स्ट्रांग है बहुत स्ट्रांग है <laughs> तो हमने सोचा कि अगर हम आपके पीछे दूसरे की बुराई करेंगे <laughs> तो आप लोग हमें पकड़ लेंगे कि हमने आपके पीछे आपकी बुराई की तो इसलिए हमने क्या बनाया आइडिया कि हमने कहा कि हम अपने आप को आपकी नजरों में गिरा के आपकी दोस्ती को उठाएंगे आपकी दोस्ती को और स्ट्रांग बनाएंगे जी जी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही सही होती भगवान ऐसी दोस्ती सबको हम भी कितने भाग्यशाली है कि इस जन्म में जीते जी खुली आंखों से ये मजबूत क्षण देखने को मिल रहे हैं <laughs> आप दोनों की दोस्ती देख के मेरी तो आंखें बाहर आ गई आए बाहर आ गए मतलब बाहर आई आंखें भर आई Your intention was nice, इसीलिए I like it. आलु जी भैया आप बहुत अच्छे हैं अच्छे लो अनु हम दोनों थोड़ा swapping करके आते हैं swapping तो नहीं आ, आप शॉपिंग कहना चाहती है तिवारी <laughs> <Let's go shopping. laughs> जी साला ये क्या चल लिया है <laughs> कंफ्यूजन है कि क्या चल लिया है इसी बात का कंफ्यूजन है कि क्या चल रहा है <laughs> सही बात है यार वहां खा जा रहे हैं यार ये दिखता क्या आपको <laughs> आया आपका पांच एक दो तीन चार पांच और आपको काट लिया सांप ने और आप आ गए ये नीचे रॉक बॉटम पे तिवारी <laughs> जी मुखे लटका लिया यार कमान इस जैसा गेम खेली तो है यार कमान बेस्प भगूदी जी आपको अंदाजा भी है हम सांप और लूडो की लगभग दस बाजियाँ खेल चुके हैं लेकिन हमारी बीवियां अभी तक नहीं लौटी यार हाँ तिवारी जी इतनी देर हो गई है इतनी देर में तो एक बाजार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं नहीं भी तो, यार ये कुछ ज्यादा ही घर से बाहर नहीं रहने लगी है। हमें तो अपने घर में बहू की फीलिंग हो रही है यार मेरी वाली पहले नहीं सुनती थी अब आपकी वाली ने मेरी वाली की सोबत में आके बगावत करनी शुरू कर दी माफ कीजिएगा इसमें भाभी जी का कोई दोष नहीं ये अंगूरी के अंदर का जानवर है जो जाग रहा है एक्सक्यूज मी भाभी के अंदर कोई जानवर नहीं भाभी जी के अंदर कोई भी जानवर नहीं अगर होता भी तो कोई बहुत इनसेंट टाइप होता जैसे कि खरगोश हो गया बकरी हो गया इज सो इनसेंट इज सो वलरेबल एंड शी इज सो ब्यूटिफुल अब जानते होंगे बिकॉज आपकी पत्नी है <laughs> भगूती जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ है तब तक इन्हें अलग नहीं किया जा सकता हाँ आठ दस दिन अगर इन्हें अलग रखेंगे तो ये दोस्ती का भूत उतरेगा अरे जी हमारा वो जो आइडिया था गलत हमें क्रिएट करने वाला वो भी तो फ्लॉप हो गया हाँ लेकिन करें क्या जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग रहें आप ही कुछ कीजिए ना आप तो रायता फैलाऊ हैं बहुत सारी के रायते फैलाए हैं आपने ऐसे अरे मेरे पास एक आइडिया है तो एक फोन करना पड़ेगा इसको यार का जोर की खबर छपी पढ़ सत्रह साल की साली अपने पचास साल के जीजा के साथ भाग गई यार है जीजा डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझ गए या एक बार फिर से समझाऊ समझूंगा क्यों नहीं पांच सौ का नोट कभी झूठ बोलता है क्या आपने जो जैसा बताया ना मैं बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा आइए चले और पर और पर कोई खबर है अरे टीका मलखान टिल्लू अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रहा था बताइए डॉक्टर साहब कैसे क्या काम है टीका मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जल्द ही तुम तीन से दो होने वाले हो <laughs> क्या मतलब हम एक दूसरे में घुसा <laughs> अरे नहीं मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही जल्द तुम तीन दोस्तों में से कोई एक टे बोलने वाला है और वो दोस्त है हिम्मत हाँ, कैसी हुई ऐसे कहने की ए, तुम्हारी जुबान में कीड़े क्यों पड़ गए छाले क्यों ना पड़ गए डॉक्टर साहब कह दो कीजे झूठे कह दो ये झूठे की टीका वाला वाले अरे काश ये मैं कह सकता लेकिन ये बिल्कुल सच है भाई टीका की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं डॉक्टर साहब टीका की जिंदगी बचाने का कोई तो तरीका होगा हाँ एक तरीका है, है? किडनी ट्रांसप्लांट अगर कोई अपनी किडनी टीका को दे दे तो टीका की जान बच सकती है अरे अरे तो फिर उसमें घबराने की क्या बात है डॉक्टर साहब हाँ. यह ना मेरे दोस्त ये मोको एक ही किडनी देंगे तो मैं बच जाऊंगा <laughs> क्यों तुम मोको किडनी देने से मना नहीं करोगे न? ना दोगे ना किडनी बिल्कुल दोस्ती पे तो जान कुर्बान है मेरी जान <laughs> वैसे डॉक्टर साहब दो किडनी की क्या जरूरत है अगर कोई एक समझदार दोस्त अपनी एक किडनी इसको दे दे तो ये बच जाएगा ना है ना डॉक्टर साहब हाँ वो तो है वैसे डॉक्टर साहब मैंने सुनो है कि हर किसी की किडनी ना हर किसी के साथ सेट नहीं होती है और ब्लड भी तो मैच होना चाहिए भाई मेडिकली तो तुम ठीक कर रहे हो मलखान लेकिन मैंने तुम तीनों का ब्लड पहले से चेक किया तुम तीनों की आपस में जो है ना किडनी सेट हो सकती है और भाई सेट हो भी क्यों ना तीनों की जो इतनी पक्की दोस्ती जो है हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैं मान गया आप तीनों की दोस्ती बहुत शानदार है बहुत ही महान है ये है ये मजाक नहीं यार अपने शरीर की किडनी को निकाल के किसी को फ्री में दे देना बहुत बड़ी दोस्ती है यार तुम लोगों की मैं तो दिल से एक बात बता रहा हूं। इस गेंडे की बॉडी में वो किडनी दोस्ती का ताजमहल बनकर खड़ी रहेगी मरते दम तक आई लाइक इटे Sånn. <laughs> का फोन आने वाला बेबी? नहीं तो फोन में घुस के कहीं ट्रांसफर होना चाहते हो थोड़ी भी बड़ी कमाल की सेंस ऑफ ह्यूमर है यार ऐसा कह रही नो आई मीन जिस तरीके से तुम फोन को ऐसे घूरे जा रहे हो इतने प्यार से तो मुझे भी नहीं घूर के देखा भाई पिछले चार पांच सालों में ऐसी बात तो नहीं है तो बड़ा गोद है यार तो मले आता है ओके मैं जरा वॉशरूम से आया हेलो ये विभूति नारायण मिश्रा का घर है यस yes. आप कौन उसकी मौत <laughs> <laughs> जी क्या है कि बहुत समय पहले आपके पति ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान में चवन्नी चला करती थी अब तो अठन्नी भी नहीं चलती लेकिन अब जो है हम उससे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसकी जान चाहिए ओके लिसन प्लीज ये जान लेने की बात मत कीजिए आप कितने पैसे हैं मैं दे दूंगी आपको नहीं, नहीं, हमने कहा ना नहीं, पैसे नहीं जान चाहिए इसीलिए अब कहीं भी वो हमें दिखाई दिया घर से बाहर या घर के अंदर तो हम उसे मार देंगे अब उसकी जान की हिफाजत आपके हाथ में है आप उनका ख्याल रखिएगा अकेला मत छोड़िएगा उन्हें ठीक है बाय भापा बाय really?

तुम्हें कुछ नहीं होगा एक काम करो चलो बाहर जाओ बाहर जाओ देख कर आओ कोई कुछ कर रहा है क्या देखो कुछ नहीं होने नहीं, हो मैं नहीं जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा मुझे मार डालेगा वो <laughs> कुछ नहीं होगा जस्ट गो आउट देखो और अगर कुछ हो गया कम टू मॉमी गो मॉमी मॉमी ये देखो जैसे मैं बाहर निकला किसी ने खींच के इतना बड़ा पत्थर यानी कि ये या पत्थर ये तो ईट है मेरे सर पे मारी माय गॉड वो तो मैं डक कर गया वरना ये इस पत्थर से मतलब इस ईट से मेरा सर फूट जाता मे बी समबडी इज ट्राइंग टू किल मी आउट देयर ऑन दिस ट्री ही इज अ बुरी ट्राइंग टू किल मी ओके 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 कम कम सिट हियर सिट हियर नहीं मैं ये ईट बाहर फेंक के आता हूं oh. <laughs> 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 हैं। दिन भर बचते रहते हाँ हेलो मनमोहन तिवारी जानी का घर है हाँ, हाँ, दी तिवारी रेस्टोरेंट नहीं उसे रेजिडेंस कहते हैं जानी सही पकड़े हैं अब बोलिए आप कौन हैं हम वो हैं जिससे तुम्हारे पति ने पैसा लेके अजुआ खेला था और अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं किया है नहीं नहीं, के भैया खेलते हैं तुम्हारे लड्डू के भैया तो बहुत बड़े जुआरी है इतने बड़े जुआरी हैं कि तुम्हारी समझ से बाहर है देखिए हमको आपकी बात पर कुछ भी भरोसा नहीं है कोई बात नहीं भरोसा मत करो जानी लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे पति की जान खतरे में है उसको अकेला छोड़ के देखो हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए अकेला कर देंगे नहीं नहीं भैया जी सुनिए हम किसी के भैया नहीं हैं हम तो सिर्फ सैया है हमरे पति को कचुनाई कीजे हम आपको पिरा करते हैं कि आपका ना हम सा, सारा बेसमेंट क्लियर कर देंगे वो बेसमेंट नहीं वो पेमेंट होती है सही पकड़े हैं हम आपके सारे पैसे दे देंगे अब तो वो पेमेंट अब तुम्हारे पति की जान लेके ही पूरी होगी तुम उसको अकेला छोड़ो हम उसका जिंदगी से नाता तोड़ देंगे <laughs>

पैसे नहीं चुका पाए थे हम का ही काल था हाँ, वो बोला हमको कि जैसे ही तुम्हरे पति हमको अकेले में मिलेंगे हम उको। भगवान तो फिर अब ऐसे में तो तुम क्या करोगी हम आपके साथ ही रहेंगे पर छाई बनकर आपका साथ एक पल के लिए भी छोडेंगे शाबाश पगली शाबाश असाबास का है अब पत्नी धर्म निभाने के लिए नहीं? तुम तनिक हमारे लिए चाय बनाओ हम हल्के हो होके आते हैं ठीक बा अरे तुम कहाँ पीछे पीछे चली आ रही हो अब बोले ना कि परछाई बनकर साथ रहेंगे साथ नहीं छोड़ेंगे टॉयलेट में भी आ, सही पकड़े हैं। है आ! जाने वाले ना जाने चले जाते हैं कोई पिल्लू कहा यार कैसे मुंह तरह ते रो अब बावले एक दोस्त की जान जा रही है ऐसी सिचुएशन में क्या अपनी बत्ती सी दिखाऊं ही, ही, ही करूं हाँ यार सही कह रहे हो यार जा बात सुन के ना अंदर से बेचानी सी आ जाती है यार कि टीका जैसे मासूम के साथ भगवान ऐसे कैसे कर सकते है यार। भी मासूम ना वो ये बात तुझे भी पता और मुझे भी पता है लेकिन है तो अपना दोस्ती ना यार हाँ यार ये बात भी सही कह रही है अच्छा चल मलखान मान ले अगर तेरी किडनी खराब होती तो यार मेरी किडनी क्यों खराब होती बकवास करो फालतू तो बावले सिर्फ मानने के लिए कह रही हूँ हाँ तो ठीक है ना फिर तू मान लिया सारे तेरी किडनी खराब होती बकवास कर दो फालतू अच्छा चल तेरी बात बड़ी करी मैंने हाँ। मान लिया कि मेरी किडनी खराब है हाँ क्या ऐसी में टीका मुझे अपनी किडनी देता कतई नहीं देता यार तो फिर हम दोनों उसको किडनी क्यों दें साले दोस्ती करेंगे यार हमारा दोस्त है यार अब किसी ना किसी को तो यार किडनी देनी पड़ेगी यार हाँ किसी ना किसी को एक काम कर तू तंदुरुस्त है हट्टा कट्टा है तू अपनी किडनी दे देना मैं क्यों दूं सारे तू दे अपनी किडनी तू देगा तू देगा तू सारे मोटी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं आएगी मैं नहीं दूंगा अपनी किडनी लाना लानत ऐसी दोस्ती पर तू ये सारे पहली फर्स्टी पहली फर्स्टी हाय लाइक